वेल बोट के अंदर काफी सारे साउंड बार्स आते हैं एंड बोट का एसोसिएशन डॉल्बी से भी है, तो यहाँ पे कुछ साउंड बार डॉल्बी ऑडियो के साथ और कुछ डॉल्बी एटमोस के साथ भी आते हैं। वेल अगर बिल्कुल बेसिक पे जाएं तो साउंड बार तीन टाइप के बहुत कॉमन देखने को मिलते हैं एंड अभी जो फोर्थ वाला टाइप है वो थोड़ा देखने को मिलने लगा है। तो फर्स्ट इज 2.1 जिसमें आपको लेफ्ट एंड राइट चैनल मिलता है साउंड बार पे और एक एडिशनल सबवूफर मिलता है एंड इस टाइप का साउंड बार एक छोटे रूम के लिए मोर देन इनफ है। छोटे रूम से मेरा मतलब है कि अगर आपका रूम 12x12 तक का भी है तो ये वहां पे आउट परफॉर्म कर जाते हैं। देन जो दूसरा आता है वो है 3.1, ये काफी कम देखने को मिलता है लेकिन इसमें क्या होता है कि लेफ्ट एंड राइट चैनल के साथ एक आपको सेंटर चैनल मिलता है जिसमें सेंटर स्पीकर एडिशनल डायलॉग्स डिलीवरी करता है, बाकी एडिशनल सबवूफर इधर भी है। तो 2.1 एंड 3.1 में आपको सिर्फ और सिर्फ लाउडनेस का थोड़ा फर्क मिलता है क्योंकि यहाँ पे एक सेंटर चैनल स्पीकर ऐड हो गया तो थोड़ी आउटपुट बढ़ जाती है एंड अगेन आपका रूम 12x12 या 14x14 का है तो वहां पे ये मोर देन इनफ रहते हैं एंड ऑब्वियसली 2.1 एंड 3.1 चैनल थोड़ा बजट सेंट्रिक भी रहते हैं। देन थर्ड इज 5.1 जिसको हम सराउंड साउंड बोलते हैं, तो यहाँ पे आपको डॉल्बी ऑडियो भी देखने को मिलता है। अब डॉल्बी ऑडियो और नॉर्मल ऑडियो में डिफरेंसेस भी होंगे, तो देखो डॉल्बी ऑडियो में क्या होता है कि जो वॉल्यूम है उसका बार थोड़ा रेज हो जाता है और जो साउंड में नॉइस है उसको ये काफी कट कर देता है जिसके साथ आपको क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस मिलता है एंड ये एक्सपीरियंस नॉर्मल ऑडियो से काफी ज्यादा इंप्रूव्ड रहता है। एंड 5.1 के जो बेनिफिट्स हैं, द वेरी फर्स्ट इज सराउंड साउंड, मतलब आपको एक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस चाहिए या फिर आप अपनी फैमिली के साथ देख रहे हो, ज्यादा लोग बैठ के देख रहे हैं बड़े एरिया में, तो वहां पे 5 चैनल हो जाते हैं, 2 रियर एंड 3 फ्रंट जिसके साथ आपका पूरा रूम ऑडियो से फिल हो जाता है। बट यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है, अगर आप 5.1 कंटेंट देख रहे हो तभी आपको सराउंड साउंड का फील आएगा और अगर आप नॉर्मली यूट्यूब पे या फिर ब्लूटूथ से गाने सुन रहे हो तो आपके स्पीकर तो 5 एक्टिव रहेंगे लेकिन वहां पे सराउंड साउंड क्रिएट नहीं होता। देन यहाँ पे जो फोर्थ कैटेगरी है जो कि अभी अभी काफी ज्यादा लाइमलाइट में आ रही है, विच इज 5.1.2। अब यार 5.1 तो समझ आ गया कि अपना सराउंड साउंड है, अब ये 0.2 क्या है? तो देखो ये है डॉल्बी एटमोस सेटअप जिसमें ये 0.2 है ना, ये अपर फायरिंग स्पीकर है यानी कि साउंड सीलिंग से टकरा के आपको सुनाई देगी और आपको सराउंड साउंड के साथ सीलिंग से भी आवाजें आएंगी। और मेरा हमेशा से एक ही एग्जांपल रहता है कि हेलीकॉप्टर या प्लेन उड़ा तो आपको आवाज ऊपर से आएगी सीलिंग से टकरा के, तो ये चीज डॉल्बी एटमोस बन जाती है। एंड यहाँ पे जैसे जैसे चैनल बढ़ते जाते हैं फ्रॉम 2.1 3.1 5.1 एंड 5.1.2 पीक वोल्टेज एंड RMS दोनों बढ़ती जाती है। एंड मैंने कमेंट सेक्शन में हमेशा देखा है कि सिर्फ और सिर्फ वाटेज डिस्कस की जाती है, इसके अलावा आप कुछ पूछते ही नहीं। बाकी और भी काफी सारी चीजें ऐसी है जो आपको साउंड बार परचेज करते हुए कंसीडर करनी चाहिए, लाइक अगर आप कोई नॉर्मल साउंड बार भी ले रहे हो तो उसमें एटलीस्ट HDMI ARC होना चाहिए तभी आपको क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस मिलेगा जो कि बोट के सारे लाइनअप में मिलता है, इवन ये वाला जो अंडर 5000 के प्राइस सेगमेंट में है इसमें भी HDMI ARC है एंड डॉल्बी ऑडियो डॉल्बी एटमॉस के लिए तो मैंडेटरी है ही। देन यहाँ पे RMS और जो पीक RMS है इसमें भी डिफरेंस है, तो बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में समझाऊं तो RMS जो आउटपुट है वो एक एवरेज आउटपुट है जो ऑल द टाइम रहने वाली है, जैसे इस वाले की 100 वोल्ट RMS आउटपुट है, 100 ही है ना, हाँ 100 ही है, लेकिन जो इसकी पीक पावर होगी वो होगी 160 या 200 वोल्ट, बट वो ऑल द टाइम नहीं चलने वाली एंड इसकी नहीं हर साउंड बार के साथ ऐसा ही रहता है। तो पीक पावर इज जैसे कोई बहुत तगड़ा ब्लास्ट होता है या कोई बहुत हाई साउंड सुनाई देती है कुछ सेकंड्स के लिए, तो वहां पे ये साउंड बार वो चीज डिलीवर करते हैं लेकिन ऑल द टाइम RMS आउटपुट पे चलता है। तो जब भी आप कोई साउंड बार परचेज कर रहे हो तो RMS एंड पीक पावर दोनों कंसीडर करो एंड पीक पावर से ये नहीं है कि उसकी साउंड क्वालिटी बहुत अच्छी होगी, साउंड क्वालिटी हमेशा RMS पावर पे डिपेंड करती है क्योंकि RMS पावर हैंडलिंग ही मेन एस्पेक्ट है किसी साउंड बार या स्पीकर का। एंड जब आप बोट की वेबसाइट पे जाओगे तो आपको जितने भी साउंड बार्स मिल रहे हैं इसमें आपको HDMI ARC लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन, और मैंने आपको बताई दिया कि यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट चैनल आते हैं और आपके लिए कौन सा सुटेबल रहने वाला है। बाकी जो लोग डॉल्बी एंड डॉल्बी एटमॉस वाले हैं तो यहाँ पे जो डॉल्बी ऑडियो वाले साउंड बार है उसके मॉडल नंबर के आगे आपको मिलेगा D और जितनों के आगे D है वो सब डॉल्बी ऑडियो वाले हैं और डॉल्बी एटमॉस साउंड बार मॉडल नंबर के आगे लिखा है DA। तो अब आप एक करेक्ट साउंड बार अपने लिए ऑप्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू स्पेस, आपकी रिक्वायरमेंट एंड ऑब्वियसली आपका बजट। ये है लेटेस्ट बोट अवांते बार मिस्टिक, तो अंडर 5000 के प्राइस सेगमेंट में 2.1 चैनल के साथ 100 वोल्ट की टोटल RMS आउटपुट ऑफर करता है एंड एडिशनली लेटेस्ट ब्लूटूथ वर्जन 5.3 के साथ HDMI ARC भी, जो कि 5000 के प्राइस सेगमेंट के अंदर बहुत कम देखने को मिलता है एंड 2.1 बताया तो सबवूफर भी है और भी बहुत कुछ है। तो बॉक्स के अंदर 3 चीजें निकली है जिसमें सबसे पहले ये साउंड बार, फिर इसका ये MDF वाला सबवूफर जिसमें 5.25 इंचेस का 4 ओम इंपीडेंस वाला ड्राइवर है एंड ऊपर से फैब्रिक मैश छोटा सा है और क्यूट है एंड एट लास्ट एक छोटा सा लिफाफा जिसमें इसका मास्टर रिमोट, जहां पे बेस एंड ट्रेबल के भी डेडिकेटेड कंट्रोल है, प्लस 4 EQ प्रीसेट्स। उसके बाद एक ऑक्स केबल, वॉल माउंट के लिए स्क्रू एंड फास्टनर्स, फ्री की ट्रिपल ए निप्पो बैटरीज, ये सही है पास की दुकान नहीं जाना पड़ेगा, एंड एट लास्ट काफी सारा पेपर वर्क। और यहां से पता चलता है कि 1 साल की मैन्युफैक्चर वारंटी के साथ आता है एंड हमेशा की तरह बोट इसमें बताता है कि वो क्या क्या बनाता है। तो अभी मैं ये सब कुछ हटाता है और सीधा इस पे आता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बिल्ड क्वालिटी, डिजाइन एंड फिनिशिंग की बात करें तो काफी मिनिमल एंड क्लीन डिजाइन है, ग्लॉस एंड मैट का परफेक्ट कॉम्बो।
फ्रंट पे मेटेलिक मैश, सेंटर में बोट की ब्रांडिंग एंड जस्ट ऊपर एक व्हाइट एलईडी डिस्प्ले। इसके राइट साइड पे आपको कुछ फिजिकल कीज, जस्ट उसके नीचे एक यूएसबी पोर्ट, लेफ्ट पे बोट की ब्रांडिंग एंड ये आती है ग्लॉस फिनिश के साथ। तो मतलब पूरे साउंड बार पे मैट ग्लॉस मैट। पीछे की साइड आपको आउट ऑफ द बॉक्स वॉल माउंट पॉइंट मिल रहे हैं। एंड कनेक्टिविटी पोर्ट्स पे आए तो HDMI ARC के साथ ऑप्टिकल इन पोर्ट, ऑक्स इन पोर्ट एंड ये है सबवूफर आउटपुट। और सबवूफर की केबल है 2 मीटर की एंड ये इसमें कुछ इस तरीके से लग जाएगा। ओवरऑल इसका बिल्ड काफी ज्यादा स्टर्डी है एंड काफी क्लीन फिनिशिंग के साथ आता है। इसके बाद सबवूफर का ऑलरेडी बता चुका हूं एंड इसके बेस रिफ्लेक्स पोर्ट के अंदर जाली लगाई है, चूहे नहीं घुसेंगे इसमें। तो अगर इस 2.1 सेटअप की क्विक स्पेक्स पे आए तो इसमें 2.25 इंचेस के दो स्पीकर्स मिल रहे हैं साउंड बार में, जिसका इंपीडेंस है 8 ओम। सबवूफर में 5.25 इंचेस का ड्राइवर है 4 ओम वाला। ओवरऑल सेटअप आपको 100 वोल्ट RMS दे रहा है 40 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज के फ्रीक्वेंसी रेस्पॉन्स के साथ। एंड साउंड बार स्पेशली टीवी के लिए डिजाइन किए जाते हैं क्योंकि ज्यादातर लोग टीवी के साथ ही इसको सेटअप करते हैं, लेकिन ब्लूटूथ वर्जन 5.3 भी है तो मोबाइल से भी आप म्यूजिक स्ट्रीम कर सकते हो। वेल यहाँ पे एक क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि डिफरेंट टाइप के साउंड बार्स आते हैं लाइक 2.1, 3.1, 5.1, आपको कौन सा ऑप्ट करना चाहिए। तो देखो 5.1 में आपको सराउंड साउंड इफेक्ट तो मिलता है लेकिन उसके लिए थोड़ा आपको बड़ा स्पेस चाहिए। अगर आप एक छोटे रूम में 5.1 सेटअप करोगे तो वहां पे इतना खास सराउंड इफेक्ट नहीं आता एंड आई थिंक उसकी कोई सेंस भी नहीं बनती। तो अगर आपका 10x15 या 15x15 तक का रूम है तो वहां पे 2.1 या 3.1 साउंड बार बेस्ट रहते हैं, लेकिन अगर इससे बड़े रूम्स में आप जाते हो तो वहां पे आप 5.1 सेटअप कर सकते हो। बाकी इसको अभी अपने टीवी के साथ सेटअप करके रियल टाइम टेस्ट करते हैं। तो फर्स्ट टाइम सेटअप करना इसको इतना ज्यादा सिंपल है कि डायरेक्टली इसको डेस्क पे रखो, फ्लोर पर कॉर्नर में रखो सबवूफर को, यहाँ पे जो सबवूफर है उसकी वायर को कनेक्ट कर दो साउंड बार में। अब उठाओ HDMI केबल जिसका एक एंड लगेगा टीवी में और दूसरा लगेगा साउंड बार में एंड फाइनली साउंड बार को सॉकेट से पावर दे दो। इतना सिंपल सेटअप। और वैसे तो पावर होते ही ये डायरेक्टली HDMI ARC पे चला जाएगा, लेकिन अगर नहीं गया तो इसके मास्टर रिमोट में आपको इनपुट की मिल रहा है जिसको प्रेस करके आप मोड चेंज कर सकते हो। तो मोड छोड़ो, मूड चेंज करते हैं। और देखो वर्ल्ड कप चल रहा है तो आप स्टेडियम तो जा नहीं सकते, लेकिन बोट के साउंड बार को घर पे लाके आप स्टेडियम जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हो एंड यू कैन फील द थ्रिल। और क्या ही चाहिए। मैच के लिए मैंने न्यूज का EQ प्रीसेट चूज किया है क्योंकि बैकग्राउंड में ऑडियंस भी चिल्ला रही होगी, लेकिन हमें थोड़ी थोड़ी कमेंट्री भी चाहिए। तो देखो आते बार मिस्टिक के साथ आप अपने घर को स्टेडियम बना सकते हो। अब मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब बैट से बॉल टकरा रही है टक वाली आवाज, उसके बाद जो ऑडियंस चिल्ला रही है उसकी अलग आवाज, लेकिन जो कमेंट्री हो रही है वो आपको एकदम क्लियर सुनाई दे रही है इतने सारे नॉइज के बावजूद। एंड यार प्लीज हेडफोन्स लगा के सैंपल सुनना, तभी आपको एक्चुअल आइडिया आएगा। एंड एक चीज माननी पड़ेगी कि इस साउंड बार पे आपको कोई फालतू का बेस नहीं सुनाई दे रहा, बहुत हल्का सा एक ऑडियो को सपोर्टिव बेस तो मिल रहा है बट ओवर पावर वाला बेस नहीं है। अब इसके म्यूजिक प्रीसेट के साथ कुछ गानों के सैंपल सुनते हैं। देखो इस साउंड बार पे सबसे पहली चीज जो नोटिस आपको होगी वो होगी हाइज, बट एक चीज अच्छी है दूसरे साउंड बार्स की तरह इसमें ट्रेबल की कमी नहीं है और उसको कंट्रोल करने के लिए रिमोट पर कीज भी है, तो हाइज आपको पूरी मिल रही है। अब मिड पे ध्यान देंगे। तो देखो यहाँ पे मिड एंड लोज यानी कि वोकल्स और बेस दोनों को कवर करते हैं। यार इतना छोटा सब वूफर है इसका, मैं ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ऐसी बेस देगा। आपको बेस का प्रॉपर थंप मिल रहा है एंड वोकल्स भी क्रिस्टल क्लियर डिलीवर कर रहा है, यानी कि मिड हाई लोज तीनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन। एंड हाँ एक चीज यहाँ पे पहले ही क्लियर कर दूं, अगर आप इस सब वूफर को 8 इंच या फिर बड़े सब वूफर से कंपेयर करोगे तो एक रफ आइडिया के लिए कि जो वो 70% वॉल्यूम पे बेस देते हैं ये 100% पे दे रहा है, बट बेस में कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं है। एक दो और सैंपल सुनवाता हूँ। तो अवंती बार मिस्टिक जिस प्राइस सेगमेंट में आ रहा है वहां पे सबवूफर का मिलना और उसके बाद मिड्स हाईज एंड लोज का एक कॉम्बिनेशन परफेक्ट होना, ये काफी रेयर रहता है। एंड HDMI ARC के साथ हाई क्वालिटी साउंड आउटपुट तो मिल ही रहा है एंड 15x15 के रूम के अंदर बैठे हैं तो वहां पे जो 100 वोल्ट RMS का ऑडियो आउटपुट है मैं पूरा नहीं खोल पा रहा। अब ऐसा नहीं है कि पूरे वॉल्यूम पे जा नहीं सकते, जा सकते हैं बट 25 लेवल तक मोर देन इनफ लगता है। वैसे इसमें जो मैक्सिमम लेवल है वो 30 है एंड सारे सैंपल्स आप 30th लेवल पे ही सुन रहे हो। तो मूवी प्रीसेट के साथ थोड़ा मूवी का आनंद लेते हैं। You're in trouble.
ये साउंड बार बोट के साउंड सिग्नेचर के साथ आता है। हमने मूवी प्रीसेट डाल के मूवी चला दी एंड हेडफोन्स आपने पक्का लगा रखे है तो आपने एक्सपीरियंस कर लिया होगा कि यार थिएटर्स के अंदर जो थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होता है कि शॉकिंग सीन पे बेस आना, डायलॉग डिलीवरी में डायलॉग्स एकदम क्लियर सुनना और एक ड्रामेटिक ऑडियो आना और हर एक इंस्ट्रूमेंट का अलग ही फील आना, वो सब ये डिलीवर कर पा रहा है। ये बर्बरता की पराकाष्ठा है, जिस तरीके से बर्बरता का इजहार हमास की तरफ से इस हमले के अंदर किया गया था, मासूम नागरिकों को निशाना बनाया गया था। तो देखो न्यूज प्रीसेट के साथ वही सेम एक्सपीरियंस मिल रहा है जो हमने अदर बोट के साउंड बार ट्राई किए हैं कि जो बैकग्राउंड म्यूजिक और ओवर बेस है उसको थोड़ा कंप्रेशन पे डालता है और जो न्यूज डिलीवरी है वो थोड़ी लाउड रहती है, जिसकी वजह से आप कम से कम वॉल्यूम पे भी न्यूज को सुन सकते हो और जो बैकग्राउंड म्यूजिक या बेस है वो ओवर पावर नहीं करेगा। एंड ये मेरा थर्ड या फोर्थ बोट का साउंड बार है एंड मैं एक चीज में तो श्योर हो चुका कि जो बोट का साउंड सिग्नेचर है वो सारे साउंड बार पे सेम ही रहता है। एंड यार इसका जो प्राइसिंग है ना 4499, मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये इतना कुछ डिलीवर कर पाएगा, बट आई एम रियली अमेज्ड कि सारे लेटेस्ट फीचर लाइक HDMI, ARC, ब्लूटूथ वर्जन 5.3, सबवूफर भी है एंड उसके बाद भी इतनी मस्त टाइप की ऑडियो क्वालिटी डिलीवर कर रहा है तो और क्या ही चाहिए। तो अगर आप 5000 के बजट के अंदर कोई साउंड बार परचेज करने का सोच रहे हो तो बोट का अवांते बार मिस्टिक डेफिनेटली आपको कंसिडर करना चाहिए। तो बोट के अवांते बार मिस्टिक का एक्सपीरियंस तो आपको पता चल गया है, लेकिन यहाँ पे जो बोट की एंटायर रेंज है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में भी बताया था उसका कंप्लीट लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, वहां पे जाके एक बार डेफिनेटली चेकआउट करो। तो अगर वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कुछ कर दो, इंस्टाग्राम हैंडल फॉलो कर लो। सो सी यू नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गुड बाय, टेक केयर, रेस्पेक्ट द टेक।